हाँ दोस्तों, देख सकते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3819 सेकेंड। ठीक है, इसमें लॉक लगा हुआ है और इसको जो है कि हम लोगों को अनलॉक करना है। ठीक है, इसका पासवर्ड किसी को पता नहीं है। आप लोग देख सकते हैं 3800 कुछ सेकेंड करके दिखा रहा है। तो आइए चलते हैं अनलॉकिंग की तरफ। तो सबसे पहले पावर ऑफ करते हैं मोबाइल का। ये हो गया अपना पावर ऑफ। अब ऑपरेशन सेट करते हैं। ऑपरेशन सेट करने के लिए हम अपना UMT टूल को ओपन करते हैं। अब UMT टूल ओपन हो रहा है, जब तक तब तक हम डाटा केबल वेबल अरेंज कर लेते हैं दोस्तों। लोडिंग ले रहा है, आप लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशन इज ऑलरेडी रनिंग। ये हमारा टूल्स ओपन हो गया है दोस्तों। अब हम खोल लेते हैं अपना डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में हमको पोर्ट शो करेगा दोस्तों। फ़ोन कनेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे पोर्ट दिखाई देगा और उसके बाद तब तक हम अपना यहाँ पे हमको करना है, इसको एक मिनट छोटा कर लेते हैं। डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लिए। हाँ, तो ऑपरेशन सेट करते हैं, हमको करना है MediaTek। रीड इन को रीसेट फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले सेव फॉर्मेट, फॉर्मेट FS और रीसेट FRP। अगर FRP लगी होगी तो वो भी रिमूव हो जाएगा लॉक के साथ साथ। अब हमारा ऑपरेशन सेट हो गया है। अब हम अपने फ़ोन को, हाँ अरे वो तो कर, अब हम अपने फ़ोन को बूट की के साथ कनेक्ट करते हैं। MediaTek है तो प्लस माइनस एक साथ प्रेस करेंगे और डाटा केबल इंसर्ट करेंगे। लोडिंग ले रहा है दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हैं। छोड़ दिए, छोड़, ये देख सकते हैं दोस्तों। वर्क इन प्रोसेस, मैसेज बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं।
और देखते हैं क्या इसमें जो है कि अभी भी लॉक है या नहीं है। थोड़ा समय ले, क्योंकि रीसेट और फॉर्मेट हुआ है तो इसके लिए जो है दोस्तों पहली बार में जो है कि ये थोड़ा समय लेगा चालू होने में, 5 से 10 मिनट भी ले सकता है। जैसे ये ओप्पो का मोबाइल फ़ोन है हमारा और इस रियलमी C2 और इस मोबाइल फ़ोन को हम लोगों ने अनलॉक किया हुआ है और इसके अंदर पासवर्ड लगा था और पहले फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने इसका USB का लाइन ख़राब था उसको ठीक किया, ठीक करने के बाद फिर आज पासवर्ड तोड़ा हुआ है। तो ये हमारे स्टूडेंट हैं गुरदीप जी जो बनारस के रहने वाले हैं और आज उन्होंने अपने एक मोबाइल फ़ोन का लॉक खोला हुआ है। तो इस तरीके से जो भी सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास करते हैं तो वन स्टेप बाय स्टेप उसको लोग मोबाइल फ़ोन को रिपेयर भी करते हैं जिससे उनको प्रैक्टिस भी होता है और चालू मोबाइल फ़ोन में काम करने का मौका भी मिलता है। तो यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा ही रहता है कि मार्केट में जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं तो हमारे स्टूडेंट लोग उस मोबाइल फ़ोन को ठीक करते हैं और हम लोग इस मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का कोई पैसा नहीं लेते, कोई चार्ज नहीं लेते, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ोन ठीक कराने के लिए आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से लोगों को सर्विसेज मिल पाएँ और लोगों के मोबाइल फ़ोन ठीक हो पाएँ और हमारे स्टूडेंट को सीखने को मौका मिल पाए। इसमें हमको सीखने को यह मिला कि सबसे पहले हम कनेक्ट करा रहे थे जो है कि, तो लेकिन इसमें जो है कि हमारा चार्जिंग जैक से जो है कि हमारा डाटा पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है कनेक्शन नहीं था, तो सबसे पहले हमने जो है कि उसको रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद इसमें जो है हम लोगों ने फिर से जो है UI पत्ता लगा करके पूरा सेट कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद फिर से डाटा केबल लगाया तो पोर्ट शो कर दिया। जब तक पोर्ट शो नहीं करेगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते सॉफ्टवेयर के मैटर में। इसलिए दोस्तों सबसे पहले हमने चार्जिंग जैक क्लियर किया, उसके बाद हमने अपने जो है कि UMT टूल से जो है कि ऑपरेशन सेट किया है, उसके बाद डिवाइस मैनेजर में अपना पोर्ट शो कराया है और उसके बाद हमने ऑपरेशन को जो है कि रन करा ही दिया था पहले और उसके बाद हमने बोट की के द्वारा इसको सॉफ्टवेयर डाल दिया है डाटा केबल डाल के बस। तो ये टूल हमारे लिए क्या होता है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की अगर लाइन में देखा जाए तो ये टूल बहुत अच्छा रहता है और इसके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर पाते हैं या उनको अनलॉक कर पाते हैं या ठीक कर पाते हैं। तो हम अपनी तरफ से जितने जो भी सारे स्टूडेंट हैं जो लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं तो उनको रिव्यू देना चाहते हैं कि UMT डोंगल जो पहले रिपेयरिंग करने वाला जो फर्स्ट पर्सन है जो सॉफ्टवेयर की लाइन में जिस बंदे ने पैर रखा हुआ है आज उसकी अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान है तो उसके लिए अगर ये डोंगल ले लेता है तो सबसे बहुत अच्छी बात है। जी UMT डोंगल का दरअसल इफिशियंसी बहुत अच्छा है। हाँ, जैसे आप 10 फोनों को कर रहे हैं तो उसमें से लगभग 8 से 9 फोनों को ये कर देता है और अदर टूल्स भी हैं मार्केट में अवेलेबल लेकिन उतना इफिशियंसी नहीं होने की वजह से वो फेमस नहीं है क्योंकि ये पैड टूल है दोस्तों और इससे जो है कि इसमें हमेशा जो है कि इसका नया नया अपडेट देते रहते हैं कंपनी वाले और इसको यूज करना बहुत ईजी भी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में हमने यूज किया और कितना सिंपल है, ऑपरेशन को सेट कर दो और उसके बाद बूट की दबा करके फ़ोन को कनेक्ट करा दो, ऑटोमेटिक जो भी कुछ होगा वो कर देगा, जो आपने सेटिंग किया होगा जो आपको चाहिए ऑपरेशन में वो चीज़ आप सेट कर दो वो आपको करके दे देगा। बस खाली आपको फ़ोन कनेक्ट करा देना है बूट की के माध्यम से। जैसा कि ये मीडिया टेक था तो हमने प्लस माइनस बूट की दबाया है और फ़ोन को केबल से कनेक्ट करा दिया था। तो दोस्तों यह ईटेक जो है कि इंस्टीट्यूट है कानपुर में है, सर हमारे जो है कि लगभग साल भर से जुड़े हुए हैं लेकिन जो है कोई भी समस्या फ़ोन उन लेकर के भी हम यहाँ आते हैं तो जो है पूरा सपोर्ट दिया जाता है और वैसे भी जो है कि हमारे यहाँ कोई समस्या होती है तो सर हमें फ़ोन कॉल पे भी जो है पूरा समाधान वहीं से दे देते हैं। लेकिन हमारा मन किया था कि सर के पास चल के थोड़ा जो है मिल लिया जाए इसलिए हम यहाँ आए थे। सर मेरे पास ये मेरे सर ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं और जो वैसे तो हमें ये सारे कोर्स जो होता है ज़्यादातर बच्चों को मैं ऑनलाइन के लिए प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे कहते हैं सर आप हमें ऑनलाइन सिखा दीजिए, वीडियो दे दीजिए। हमने कहा अगर आप सीख तो लेंगे कोई दिक्कत नहीं लेकिन
ये टेक्निकल स्किल है, जब तक आदमी जब तक खुद नहीं आएगा तब तक इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं सीख सकता, क्योंकि ये रिपेयरिंग की चीज़ें होती है, कुछ सीखने के साथ साथ आपको महसूस भी करना होता है जी। अगर जी। आप उनको अच्छी तरीके से महसूस करेंगे तभी आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे जी। तो सर मेरे पास एक साल से जुड़े हुए हैं और अपना टाइम निकाल निकाल करके वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या क्लास कर करके सब चीज़ों को समझते थे, सीखते थे। फिर सर ने अपना सोचा कि मैं 10-15 दिन का समय निकालता हूँ और यहाँ पर आए हुए हैं अपने हैंड स्किल को तगड़ा करने के लिए। आज वो पूरे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी आईसी आते हैं, क्या चल रहा है सर आईसी का रिवॉल्विंग? इस समय जो है हाँ ईएमएमसी मेरा पूरा हो गया, अभी सर सीपीयू दे रहे हैं हमको रिवॉल्व करने के लिए, और सॉफ्टवेयर का तो आप देख ही रहे हैं जैसा कि आपके सामने मैंने करके दिखाया। हाँ तो ये जैसे सर अपना हार्डवेयर का हैंड स्किल बहुत तगड़ा कर रहे हैं, अब ये कोई भी एमएमसी आईसी है कोई भी पावर आईसी इसको रिवॉल्व कर लेते हैं एक बार में। दो दिन हो गया समथिंग रिवॉल्व करते करते, कितना दो दिन हो गया। अब पूरा दिन क्लास करते हैं, एक दिन के अंदर देखा जाए तो नहीं तो कम से कम 8-8, 10-10, 15-20, 25-25 बार आईसीयों को रिवॉल्व करते हैं ताकि इनका हाथ इतना सेट हो जाए कि जब चालू मोबाइल फ़ोन में काम करें तो उनसे एक ही बार में आईसी बन जाए, एक बार में टच करें एक बार में आईसी बन जाए। और आप सर आपसे कोई एमएमसी आईसी एक बार में बन जाती कि नहीं बन जाती? सर आज ही बना के दिया था जो है कि, तो उसको आपने उसमें यूएफएस में डाला था तो उसका पूरा प्रोग्राम ओपन हो गया था। हाँ पूरा प्रोग्राम ओपन हो गया था सही है। इसके माध्यम से हम लोग यूएफआई के माध्यम से हम लोग एमएमसी आईसी जो रिवॉल्व करते हैं उसको प्रोग्राम करके चेक भी करते हैं कि हमने जो निकाला लगाया उसको रिवॉल्व किया वो सही हुआ भी कि नहीं हुआ, तो इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं बेस में हम लोग वर्किंग कर सकें जी। तो आज सर ने सीख करके अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा हुआ है और ये सोचा हुआ है कि कैसे हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को पूरा कंप्लीट सफलतापूर्वक सीखें और सीखने के बाद हम करें। तो सर और भी लोग ऐसे हैं तो सर अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए ताकि उन लोगों को गाइडेंस मिले कि वो लोग भी अपना इस चीज़ को अच्छे से प्लान कर सकते हैं जी। दोस्तों देखिए जो है कि आज की इस बेरोजगार भरी दुनिया में जो है कि ज़रूरी है कि आपके पास केवल एक स्किल से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए जो है हमारे पास जो है कि और स्किल का होना ज़रूरी है और इसी बेस पे हमने जो है कि इसी इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने ये सब जो है कि अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि ठीक है जॉब तो कर रहे हैं जब तक कर रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं है, बट इस फील्ड की जान नॉलेज होने से इस फील्ड में हमारा हाथ क्लियर रहने से हम कहीं भी अपना कोई भी साफ डाल सकते हैं या कहीं भी कुछ जो है कि अपना छोटा मोटा साफ डाल के अपना रिपेयरिंग का काम या सॉफ्टवेयर का काम या एक एक हुनर हमारे पास है जिसके बल पे हम कह सकते हैं कि नहीं कोई जॉब चली जाए चाहे कोरोना आ जाए या कल को कोई विषम परिस्थिति आ जाए हमारी लाइफ में तो भी हम कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करके अपना आजीवन या जीविका चला सकते हैं। दोस्तों तो हम आप लोगों को भी यही कहेंगे किसी एक चीज़ पे डिपेंड मत होइए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कौन से क्षण में कौन सा जो है कि तरीके का विपत्ति आएगा या संकट आएगा तो उससे लड़ने के लिए पहले तैयार रहिए। तो सर आपने कुछ जब आप जॉब करते थे तो कोरोना के टाइम पे आप यहाँ पर थे कि वहाँ पर थे? नहीं कोरोना के टाइम पे तो सर हमारा हॉस्पिटल का काम है तो हमारा जॉब तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कल को कोरोना से कोई दूसरा रिलेटेड आ गया ठीक है, कोरोना तो फील्ड ही था जो है कि हॉस्पिटल का, बट अगर किसी दूसरे फील्ड का कोई अगर ऐसा महामारी आ गई या कोई आपदा प्राकृतिक आपदा में कुछ भी हो सकता है तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे तभी तो हम जो है आगे की ज़िंदगी जी पाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मेडिकल लाइन में थे और हेल्थ केयर का काम करते थे तो उनको जॉब में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बाद में सर के दिमाग में उसी समय पर दिमाग में उपज आई कि ये परेशानी चलो आज सबके साथ में है और मैं कहीं उस लाइन से जुड़ा हूँ तो मैं थोड़ा सा सिक्योर रहा, ऐसी बात नहीं हमको पैसा मिला लेकिन हम घर पे तो नहीं आ पाए होंगे? नहीं नहीं घर पे नहीं आ पाया था सर, तो घर पे आने को नहीं मिला, लेकिन बाद में आज फैमिली है बच्चे हैं सब लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, शादी हो जाती है एक बच्चा होता है दो बच्चा हो जाता है फैमिली जुड़ते हैं तो वो लोग भी देखो हमारा परिवार भी हमसे उम्मीद यही रखता है कि हमारे मतलब जो घर के जो सदस्य हैं आज वो बाहर नौकरी कर रहे हैं तो हमारे घर कब आएंगे और जब हम घर कब आएंगे तो हमारा बच्चा जब छोटा हो जाता है बड़ा हो जाता है तो यही हमसे उम्मीद रखता है कि हमारे पिताजी घर कब आएंगे, तो हम लोग उनके सामने ये नहीं पेश कर पाते कि नहीं पापा हम बेटा छुट्टी पे आए हुए हैं जी। 2 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने का छुट्टी लेके आए हैं, लेकिन कभी अपने लाइफ में ऐसा नहीं उनको करके दिखा पा रहे हैं कि नहीं भाई हम तुम्हारे साथी हैं आप टेंशन मत लो मैं शाम को आ जाऊंगा। अब शाम को क्यों नहीं आ पाते? वो इसीलिए नहीं आ पाता है क्योंकि हमारे हाथों में कोई एक अच्छा हुनर नहीं आया आज की वजह से हमको जो है कि 2,500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, 2,000-3,000 किलोमीटर जॉब के लिए जाना पड़ता है, तो नौकरी एक तरीके का अगर देखा जाए तो मोटी भाषा में गुलामी है,
अगर आज आप गुलाम रहे हो तो कल को आपके बच्चे भी गुलाम होंगे जी, ये बात मैं 100% कहता हूँ। और अगर तुम आज के डेट में अगर मालिक बन गए तो मैं गारंटी के साथ में 100% कहता हूँ कि आपका बच्चा पैदा होने से पहले ही मालिक होगा। क्यों मालिक होगा? क्योंकि आप खुद मालिक हैं। इस बात की बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी सारे लोग हैं आज जो एजुकेटेड हैं या जिनके हाथ में स्किल लेना चाहते हो, अपने हाथ में हुनर लें। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का आज बहुत अच्छा काम है। और मेरा ज़िंदगी का एक मिशन है कि मैं चाहता हूँ कि हर एक लोग कम से कम फीस में, मेरे पास जितने भी सारे लोग आते हैं सब जान से, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना कम से कम मिनिमम एक्सपेंस में लोगों को मैं सिखा करके भेज सकूँ और उनको अच्छे पैरों पर खड़ा कर सकूँ, ताकि लोग खड़े हो सके, दो पैरों पर अपने दो पैसे कमा सके, मार्केट में सर्वाइव कर सके। दूसरी बात क्या है, मैं सर अपनी लाइफ को खुद मैं सर एक मिशन के रूप में लेकर के चल रहा हूँ, ताकि लोग हमारे पास सीख करके खड़े हो सकें, ताकि हमारे पास जो बच्चे सीखते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हमारे बच्चे रहते हैं हम लोग भी उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। हम क्यों रहते हैं? हम इसलिए रहते हैं ताकि हम देखें कि जो तकलीफ़ अगर उसके साथ में है तो वही तकलीफ़ हमको भी झेलनी पड़ेगी जी, जो परेशानी हमने लाइफ में झेली है तो वही परेशानी वो भी झेलेगा जी, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो उसकी परेशानी